ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये किसान हैं और यहाँ उनकी पार्टी हो रही है। जिन प्रदर्शन स्थलों पर कल तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, वहाँ किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जहाँ दिन रात कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल बजाया जाता था, वहाँ ढोल बज रहे हैं, भांगड़ा हो रहा है। चौदह महीनों से किसान अपनी जिस मांग को लेकर सड़कों पर थे, उनकी वो मुराद पूरी होने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों को पीएम मोदी की तरफ से इससे बेहतर बधाई कोई और हो ही नहीं सकती थी। जिन किसानों के चेहरे पर कल तक मायूसी और गुस्सा था, आज उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। आज किसान खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने तीन काले कानून रद्द करने का ऐलान किया, उसका हम स्वागत करते हैं। ये संघर्ष का एक जीत है ये हमारी, कि हम सरकार को घुटनों पे ला पाए। ये लगता है कि बॉर्डर अब खाली करने का वक्त आ गया है। नहीं, बॉर्डर अभी खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे दूसरे एमएसपी का, बिजली शोध बिल का, जैसे इन्होंने बताया, जब तक वो नहीं होता जब तक हम नहीं करेंगे। चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली, कृषि कानूनों के खिलाफ जहाँ जहाँ किसान सड़कों पर बैठे थे, वहाँ वहाँ कृषि कानून वापसी की खबर किसानों की जीत की खुशखबरी बनकर पहुंची। कृषि कानून विरोध के लिए बने मंचों पर ही किसानों ने अपनी खुशी का मंचन करना शुरू कर दिया। एक तो गुरु पर्व का मौका, ऊपर से प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, उसके बाद पंजाब का माहौल क्या है ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। मेरे ठीक पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर पर डीजे बज रहा है और डीजे पर जो सॉन्ग चल रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, ये किसानों के गाने हैं और ऐसा लग रहा है कि वाहेगुरु ने आज कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के रूप में उस लंबे संघर्ष पर विराम लगवाया है जो कि किसान एक लड़ाई के रूप में लड़ रहे थे। तीनों कृषि कानून अब अनंत काल तक के लिए ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, तो क्या आंदोलनकारी किसान भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस अपने घर जाएंगे। पीएम मोदी ने किसानों से वापस लौटने की अपील जरूर की है, लेकिन किसान आंदोलन के ड्राइवर राकेश टिकैत अब भी ब्रेक पर पैर रखने को तैयार नहीं है। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ कर तय करें, ये नहीं है कि हम चले जाए और दो महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना शर्त तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पिछले 14 महीनों के दौरान किसान आंदोलन का दायरा कृषि कानूनों से आगे बढ़ चुका है। आंदोलनकारी किसानों की सरकार से इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, स्वागत करते हैं। देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में, अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने दो शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी एमएसपी पे गारंटी की बात है,
और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो उन पे बात होगी, तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। किसान अपनी जीत का जश्न जरूर मना रहे हैं, क्योंकि उनको एक साल से ज्यादा वक्त तक चली तपस्या का फल मिला है। लेकिन फिलहाल आंदोलनकारी किसान धरना खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब संसद में तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। आज तक ब्यूरो।